കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ Bye. परीक्षित महाराज कली को आमंत्रित करते हैं और आज हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे कली को जब परीक्षित महाराज पांच स्थान देते हैं रहने के लिए तो उसके बाद में परीक्षित को कली कैसे धोखा देता है तो आज हम देखेंगे तो तब तो तक हम लोग प्रार्थना करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नम नमस्कृत नरम नरोत्तमं दवी सरस्वती व्या तथो जाया नष्ट नष्ट्राष्व अभद्रेशु नि भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक भक्ति भगवती नष्टी कृष्णा वासुदेवाय देविकी नंदनाय च नंदगोपकुम गोविंदय नमो नमः ॐ ज्ञान्तिमनन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाख्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं ददाति स पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावदूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण श्री कृष्णपनता शिवशाखावृता नमो ओं विष्णुपादय कृष्णपेषा भूतरे श्रीमते भक्ति स्वामी विधानसम नमस्ते सरस्वते दवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाशातरणे वाचा कल्प्रुवा कृपा सिंधुव पतिता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णा कृष्णचैतन्यनाम गौस नम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन वन जगतपते गोपा गोपिका कांता राधा नुम सुते सप्तकांचन तो गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विषुते देवी प्रणमा हरि प्रिय दिनिवासाय परमात्म बलभद्र सुभद्रभ्याम जगन्नाथाय ते नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैंग शिवासाधि गौर मृतवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो इस तरह से हमने लास्ट टाइम देखा कैसे परिचित महाराज कली को पांच स्थान देते हैं रहने के लिए तो वो स्थान कौन कौन से हैं तो उसमें से एक स्थान है जहां पर मदुरा पान होता है दूसरा जहां पर अवैध स्त्री पुरुष संबंध होता है तीसरा जहाँ पर मांसाहार होता है आ? और चौथा तो तो जहां पर जुआ खेला जाता है और जो तो पांचवा स्थान है जहां पर अधिक धन संग्रह किया जाता है इंद्र तृप्ति के लिए उसकी वजह से भी कली वहाँ पर उपस्थित होता है और कली का मतलब है कलह तो वहां पर ऐसी ऐसी जगह पर कलह होती है तो उसके बाद आगे अभी कलयुग कैसे अपना साम्राज्य बढ़ाता है वो आज हम लोग सुनेंगे क्योंकि एक साधारण से बात है समझने वाली कि जब परिचित महाराज जैसे धार्मिक राजा वहां पर उपस्थित थे तो कली अपना साम्राज्य कैसे बढ़ा सकता था ऐसा कैसे संभव था तो इसलिए कली क्या करता है वो हम लोग आज सुनते हैं तो हम देखते हैं जैसे परिचित महाराज जब अपने माता के गर्भ में ही थे तो असत थामा ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा उनको मारने का प्रयास किया था किंतु स्वयं कृष्ण ने उनकी सदस्यों रक्षा अच्छा की तो परिचित महाराज को मालूम था कि वो कृष्ण के शरणागत हैं और यदि कृष्ण को पुकारेंगे कृष्ण जरूर ही उनकी रक्षा करेंगे फिर भी जब श्रृंगी के हाथों उनको श्राप प्राप्त हुआ मरने का के तक्षक के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी परीक्षित महाराज भयभीत नहीं थे उन्होंने कृष्ण को नहीं पुकारा जबकि उनको पता था कि कृष्ण चाहे तो उस मृत्यु को टाल सकते हैं बल्कि उन्होंने क्या किया वो सुखदेव गोस्वामी के पास में गए और उनके शिष्य बनके उन्होंने कृष्ण के संबंध में हरि कथा सुनने का प्रयास किया ऐसा क्यों किया तो ये श्लोक में आता है न उत्तम श्लोक वार्ता नाम जुस्ताम तत्कथा सात सम्रवंत काले स्मता तत्पदाम भुजम तो ना उत्तम श्लोक वार्ता नाम जुस्ताम तत्कथा सात सम्म क्योंकि जिन लोगों ने उत्तम श्लोक वार्ता मतलब वो भगवान कृष्ण जिनकी उत्तम श्लोकों से प्रशंसा की जाती है उनके बारे में जो लोग वार्ता करने में या मतलब हरी कथा सुनने में या सुनाने में अपना जमी जीवन व्यतीत कर देते है जोस्ता तत्कथा मतलब उसके लिए पूरा जीवन अपना व्यतीत कर देते हैं अपना जीवन उसके लिए समर्पित कर देते हैं तो उनके साथ क्या होता है हाँ। अंत काले अपी। तो इस तरह से वो हमेशा ही कृष्ण के बारे में चर्चा करते हुए कृष्ण के चरणों का स्मरण करते रहते हैं क्योंकि तो जब हम कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो महत्वी बात है किसकी याद आएगी कृष्ण की याद आएगी और जो व्यक्ति हमेशा इस तरह से कृष्ण को याद करता रहेगा तो वो अंतकाल जिस समय भगवान को याद करना बहुत मुश्किल है उस समय भी कृष्ण को ही याद करेगा क्योंकि भगवान भगवत गीता में समझाते हैं यद वापी स्मरण भाव तदंत अंत काल तम तम एवेती कौनते सदा तदभाव भावित कि जीवन भर व्यक्ति जिस भाव से भावित रहा है अंतकाल के समय भी उसी भाव से भावित रहा है इसलिए अगर जीवन भर व्यक्ति कृष्ण भावना भावित रहा है तो अंत काल में भी किसकी भावना रहेगी कृष्ण की भावना रहेगी और जब कृष्ण की भावना रहेगी तो व्यक्ति क्या करेगा कृष्ण का स्मरण करेगा अंतिम समय और कृष्ण के धाम वापस जाएगा। तो तरह जो भक्त भगवान का निरंतर नाम लेते हैं हरि कथा सुनते हैं वो कृष्ण की शरणागत होने की जीवन भर प्रैक्टिस करते हैं और प्रभुपात के तो अनगिनत उदाहरण है ऐसे जैसे एक उदाहरण है जॉर्ज हेरिसन का तो जॉर्ज हैरिसन अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा विख्यात था अपने समय में कहते हैं जब उसका उन्नीसवा या इक्कीसवा ऐसा कोई जन्मदिन था तो चार ट्रक भर के ग्रीटिंग कार्ड आए थे उसके पास तो इतना विख्यात था लेकिन क्योंकि वो भक्त था तो डेली चार बजे से लेकर बारह बजे तक हरी कथा सुनना और हरी नाम लेना ये उसके जीवन शैली का हिस्सा था तो एक बार की बात है कि उसका ही जो कैशियर था अकाउंटेंट तो धन लूटने के इच्छा से उसको चाकू से मारता है जॉर्ज हैरिसन को लेकिन जब वो जॉर्ज हैरिसन पैसा हमला हो रहा था तो जोर हरिशान लगातार कृष्ण का नाम ले रहा था हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे खुष्णा, हरे खुष्णा, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे और फिर इस तरह से बाद में हॉस्पिटल में जाना पड़ा फिर ठीक हो गया लेकिन उसके बाद में जब जॉर्ज हरीशन ने अपना शरीर भी छोड़ा तो समय उसकी पत्नी बताती है कि एक तरफ से प्रुपा का टेप चल रहा था हरे कृष्ण महामंत्र का दूसरी तरफ से उसकी पत्नी हरे कृष्ण महामंत्र बोल रही थी और स्वयं भी उस तरह से हरे कृष्ण महामंत्र में मग्न होकर उसने अपना शरीर छोड़ा तो जीवन भर क्योंकि उसने हरे कृष्ण महामंत्र किया था तो अंतिम काल में भी किसको याद किया कृष्ण को ही याद किया ना उसी तरह से हमारे जो खेमिका प्रभु है तो एक प्रभु जी जिनके हम प्रोग्राम देने जाते हैं तो खासकर जो मैं ये क्लास देता हूँ के लिए देता हूँ उस फैमिली के लिए तो वो भी डेली कंपनी में जाते थे लेकिन साथ में दिन भर जप किया करते थे तो उस तरह से पार्क में वो जब चलते चलते जप कर रहे थे और जब करते करते ही कब आत्मा सही से चली गई तब पता नहीं चला उस तरह से क्योंकि उन्होंने हमेशा भगवान के नाम का स्मरण लिया तो अंतिम काल में भी किसका स्मरण आया कृष्ण का स्मरण आया और मान लीजिए भक्त कृष्ण का अगर स्मरण नहीं भी कर पाता है तो क्या होता है तो उसमें वरादेव भूदेवी से कहते हैं क्योंकि भूदेवी को चिंता हो जाती है भूदेवी कहती है कि भगवान आप कहते हैं आपकी भक्ति की है तो मान लीजिए आपका भक्त जीवन भर आपकी भक्ति करता है लेकिन अंतिम समय के कष्ट इतने ज्यादा भयंकर हैं कहते हैं चालीस हजार बिच्छुओं बराबर के के जो दर्द होता है उतना दर्द होता है जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो कफ वात पित्त वगैरह गले में भर जाता है आदमी घड़घड़ की आवाज करता है तो ऐसे में आपको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो अगर मान लीजिए आपका भक्त जो कि हमारे पुत्र है सभी धरती माता के पुत्र है तो अगर मेरे सारे पुत्र और पुत्री अगर आपको याद नहीं कर पाते अंतिम समय में तो पूरा जीवन की भक्ति बर्बाद हो जाएगी भगवान बोलते नहीं ऐसा नहीं है भगवान कहते हैं वरापुराण में यदिना मद भक्त माम चना स्मरित अहम स्मारामी मद भक्ता नयामी पराम तो यदि कफवाद पित्त के कारण अगर मेरा भक्त मद भक्ता मामचना स्मरित अंतिम काल में उसको मेरा स्मरण नहीं होता है पर क्या होता है एक व्यक्ति स्मरण करता है कौन स्मरण करता है भगवान बोलते हैं मैं स्वयं उस भक्त का स्मरण करता हूं अहम स्मारा तब भक्ता मैं उस भक्त का स्मरण करता हूँ वो नया परम करते हैं है। उसको मैं परम गति अपने लोग वापस लेके जाता हूं तो इसलिए अगर जीवन भर हमने भक्ति की है तो अंत काल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है हम निश्चित ही भगवान के धाम जाएंगे तो अभी जो दामोदर का महीना चल रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम का जप करके भक्ति में प्रगति कर सकते हैं तो इस तरह से इसी कारण से महाराज परीक्षित ने अंतिम काल में क्या किया अंतिम काल उन्होंने मृत्यु को टालने का प्रयास नहीं किया लेकिन हरी कथा को सुनने का प्रयास किया तो जब तक परीक्षित महाराज इस संसार के सम्राट थे कली के अंदर अपना राजा बढ़ाने की कोई भी क्षमता नहीं थी लेकिन जिस दिन महाराज परीक्षित इस संसार को छोड़ के भगवान के धाम वापस गए कली ने अपनी एंट्री मार दी हाँ तो फिर प्रश्न आता है प्रश्न ये आता है कि अरे भाई परिचित महाराज खुद तो भगवत धाम चले गए और यहाँ पे जो उनकी प्रजा थी उनको कली के हाथ तो छोड़ के चले गए उन्होंने ऐसा क्यों किया तो वो कलयुग के गुड़ कारण है तो जो नंबर श्लोक में अध्याय के सातवें श्लोक में बताया जाता है नानु द्वेष्टि कलिम सम्राट सारंग द्वेष्टि कलिम सम्राट तो सम्राट तो परिचित ने कली से कोई भी द्वेष नहीं किया ना। क्यों नहीं किया क्योंकि सारंग एव सारभुक तो जिस तरह से उसमें तुलना की जाती है किसकी एक भावरे की तो एक भावरा क्या करता है फूल का जो मुख्य भाग है उसका पराग उसके पराग को ग्रहण करता है फूल को पूरा छोड़ देता है तो उसी तरह से परिस्थित महाराज ने देखा कि हाँ कलयुग में बहुत सारी बुराइयां हैं इतनी बुराइयां हैं कि जिंदगी गिनती नहीं की जा सकती है किंतु एक उससे लाभ है क्या कुसलानी आसु सिद्धंती जैसे ही आप मन में कुछ अच्छा कार्य करने का सोचते हैं उसका फल मिल जाता है और नित्य रानी तानियत और बुरा कार्य जब तक करते नहीं है तब तक तो उसका परिणाम नहीं मिलता है मतलब अगर कुछ अच्छा कार्य सिर्फ मन में सोचा और मान लीजिए नहीं कर पाए समय के अभाव के कारण देश काल पात्र ठीक ना होने के कारण क्षमता ना होने के कारण मान लीजिए नहीं कर पाते मात्र मन में सोचते हैं उसका फल मिल जाता है लेकिन बुरा कार्य जब तक तो करते नहीं है तब तक तो उसका परिणाम नहीं मिलता है क्योंकि पहले के युगों में मात्र मन में ही पाप करने से पाप को पाप का परिणाम मिलता था कलयुग में ऐसा नहीं है क्योंकि कलयुग में अगर मन में पाप करने से पाप का परिणाम मिलने लगे तो लगभग पूरी जनता ही नरक में जाएगी और ऐसे हमेशा ही नरक नरक में का वास करना पड़ेगा कलुग की जनता को इसलिए भगवान जब तक कोई व्यक्ति पाप नहीं करता है उसको या तो वचन से या फिर कर्म से तब तक उसका परिणाम नहीं मिलता है कलयुग में अन्य युगों में मन से पाप करने पर भी पाप का परिणाम मिलता था तो कलुग में अच्छी चीज रह जाती है वो क्या है मन से अच्छा काम करने में पुण्य मिलता है लेकिन पाप करने में पाप का परिणाम जब तक करेंगे नहीं तब तक परिणाम नहीं मिलेगा तो इसलिए उन्होंने ये देखा और साथ में उन्होंने देखा कलो ए दोषो निधन अस्थि एक महान गुणा कीर्तनादेव कृष्ण मुक्त संगा कि कलयोग दोषों की निधि है दोषों का सागर है अस्थि एक महान गुणा पर एक अच्छा गुण है उसमें कीर्तनाद एव कृष्ण से मात्र कृष्ण का कीर्तन करने से मुक्त संगा परम व्रजित व्यक्ति इस भौतिक जगत को छोड़ के भगवान के धाम वापस जा सकता है तो ये लाभ है कलयुग का तो महाराज पलची सोचने लगे कलयुग मूर्ख लोगों के लिए एक चीते के समान है जो व्यक्ति को चीर फाड़ के खा जाता है किंतु जो लोग संयमी हैं है उन लोगों के लिए कलयुग ज्यादा हानिकारक रखनी है क्योंकि मन में भले ही उनके पापों के विचार चल रहे हो किंतु तो वो लोग जो आत्म संयम होते हैं वो पाप में लिप्त नहीं होते हैं भले मन में कैसे विचार क्यों ना चल रहे हो इसलिए जो लोग बुद्धिमान है उनको तो चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन जो लोग बुद्धिहीन है उनके लिए भी एक मार्ग है वो मार्ग क्या है तो उन्होंने सोचा कि अगर श्रीमद भागवतम का कलयुग होता है तो जो मूर्ख लोग हैं उनका भी उद्धार हो जाएगा तो सेमों का तो उद्धार हो ही जाएगा मूर्खों का भी उद्धार हो जाएगा तो उस तरह से उनके लिए आ, भी उन्होंने किया और साथ में क्या किया साथ में जब तक वो थे तब तक राज को इस तरह से स्थापित किया हुआ था और पुत्र को भी वैसा ट्रेन किया कि वो पाप को ज्यादा बढ़ने न दे तो इस तरह से उन्होंने प्रैक्टिकल काम भी किया और कई की एंट्री भी होने दी और फिर उसके बाद में जो नैमिशरण्य के सोनक आदि ऋषि थे तो उनके साथ सुध गोस्वामी की फिर से वार्तालाप आती है अभी तक सुध गोस्वामी ने सिर्फ महाराज परीक्षित के जन्म और मृत्यु के बारे में थोड़ा सा बताया है, है संक्षेप में अभी और उनमें वार्तालाप होती है वो क्या वार्तालाप होती है तो सुध गोस्वामी कहते हैं कि हे सोनक आदि ऋषि आपने जो जो कृष्ण के बारे में अभी तक पूछा है मैंने आपका सबका उत्तर दिया है और जो लोग जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं उनको कृष्ण की चर्चा करनी चाहिए तो अभी तक बात कृष्ण की चर्चा की है तो आगे बताइए आप आगे क्या करना है तो सोन कादि ऋषि फिर आगे बोलते हैं कि वो आगे क्या करना चाहते हैं? तो इस प्रकार बोलते हैं कहते हैं कि हे सूत गोस्वामी आप धन्य है भगवान करे आप की लंबी आयु हो क्यों क्योंकि आप हरी कथा कह रहे हैं जिससे व्यक्ति को अमृत की प्राप्ति होती है इसलिए अगर आपको लंबी आयु होगी तो बाकी लोगों को भी हरी कथा सुनने का मौका मिलेगा और फिर वो सूत गोस्वामी की प्रशंसा करते कर्मणि धूम धूमरात्मा नाम भवान आपायति गोविंदा पद पदमा सबु तो वो कहते हैं कि हे है सूत गोस्वामी अभी तक कलयुगवासियों की कलयुग से रक्षा करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे उसके लिए हम लोग यज्ञ कर रहे थे तो जैसे कि हम लोग को पता है कि सोनक आदि ऋषि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं वो स्थान प्राप्त करने के लिए जहां पर यज्ञ करने से सारे कलयुगवासियों की कलयुग से रक्षा होगी और ब्रह्मा जी फिर अपना चक्र छोड़ते हैं चक्र जिस स्थान पर आके गिरता है उसको चक्र तीर्थ कहते हैं और वो नमे का स्थान था और नमे में ये सारे के सारे अठासी हजार संत यज्ञ प्रारंभ करने लगते हैं पर वो क्या बोलते हैं वो यज्ञ करने की वजह से हमको क्या फायदा हुआ एक ही फायदा हुआ धूम धूमर तात्मान भवान उस यज्ञ के धुएं से हमारा सिर्फ मुंह काला हुआ है कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ है तो हमको नहीं लगा कि कलयुग में ये सब यज्ञ वगैरह काम करने वाला है लेकिन आपायति गोविंदा पाद पदमा सब लेकिन हमको पता है हरि कथा से लाभ होने वाला है boys. इसलिए कृपया करके हरि कथा बोलते जाइए जो कि एक अमृत के समान है और ये अमृत कहाँ से निकल रहा है एक कृष्ण के चरणों से निकल रहा है गोविंद के चरणों से निकल रहा है तो गोविंद के चरणों से निकलने वाले से अमृत का हम लोग पान करना चाहते हैं तो इसलिए क्या करते रहिए इस हरिकथा को बोलते रहिए क्योंकि हमको समझ में आएगा ये यज्ञ आदि करने से ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है ये कलयुग में हरि कथा और हरि नाम ही उद्धार करने वाले हैं अन्य चीजें उतना काम नहीं करती हैं हाँ कई बार लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब वो धुआं वगैरह देखते हैं आग देखते हैं इसलिए हमारे भक्त लोग भी कभी कभी यज्ञ करते हैं ताकि बाकी लोग आए और उसके बहाने कम से कम लोग भगवान का नाम ले लेते हैं वहां पे हरे को समय भी कराते हैं भक्त लोग लेकिन जो असली लाभ होता है वो होता है कथा से और हरि नाम से और फिर वो प्रशंसा करते हैं सुद गोस्वामी किस संग की तो कहते हैं तुले याम लवे ना स्वर्गम ना, ना पुनर्भवम भगवत संगी संगलयाम लवण अपी ना स्वर्गम ना पुनुभव भगवत संगी संगस्य से तो भगवत संगी जिस व्यक्ति ने कृष्ण का संग किया है उसका संग करने से मतलब भगवान के भक्त के संग से जो लाभ प्राप्त होता है वो लाभ की तुलना स्वर्ग की प्राप्ति से नहीं की जा सकती है और ब्रह्मलीन से होने से भी नहीं की जा सकती है क्यों क्योंकि कृष्ण के भक्त के संग करने से भक्ति का लाभ प्राप्त होता है और भक्ति के लाभ से व्यक्ति को भगवान का धाम प्राप्त होता है भगवान का संग प्राप्त होता है जो कि स्वर्ग या फिर अपवर्ग जिसको कहते हैं लोग ब्रह्मलीन होना उन सबसे करोड़ों गुना ज्यादा श्रेष्ठ है तो उस तरह से एक भक्त किस संग में आना उससे हरि कथा सुनना ये जीवन की सार्थकता है आ, तो यहाँ पे तो वो लोग कहते हैं कई बार लोगों को नहीं पता होता इसलिए हमारे भक्त लोग कई बार हरिकथा करने के लिए जाते हैं और लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते तो लोगों को पता नहीं है ये जो लाभ है ये अतुलनीय है, इसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती है फिर वो कहते हैं क्या आप कथा बोलते रहिए हरि कथा सुनने से कभी क्या किसी को प्रतिप्ति प्राप्त हुई है क्योंकि तो हरि कथा इतनी मधुर है को नाम कथाया महत्म कांत पारायणस नुणा नाम गुणस्गमूत योगेश्वराया भवपान मुख्या को नाम क्या हरि कथा का रसायन पीने से किसी को आज तक तृप्ति प्राप्त हुई है नहीं प्राप्त हुई है क्योंकि हरी कथा इतनी मधुर है कि व्यक्ति उसका और ज्यादा पान करना चाहता है कभी ये नहीं बोल सकता अभी बहुत हो गया अभी हरी कथा मत सुनाइए सुनाते जाइए सुनाते जाइए क्योंकि हरी कथा इतनी ज्यादा मधुर है महत्तम एकांत पारायण क्योंकि जो महान महान भक्त हैं वो कृष्ण के चरणों का आश्रय लेते हैं नानतम गुणा नाम गुण से और कृष्ण के गुणों की कोई भी गणना नहीं कर सकता है कृष्ण के इतने सारे गुण हैं तो कृष्ण की लीला और गुणों की व्याख्या अनंत शेष भी करने का प्रयास कर रहे हैं अनंत काल से अनंत काल के हजारों फन कृष्ण की लीला की व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं अनंत काल से और आज तक उनको पूर्ति प्राप्त नहीं हुई है और कभी पूर्ति प्राप्त होती भी नहीं है तो योगेश्वर आइए भव पाद मुख्या तो भव मतलब शिव जी ब्रह्मा जी जैसे महान महान लोग भी कृष्ण के गुणों की गणना आज तक नहीं कर पाए तो इसलिए कृष्ण कथा का, का जो स्टॉक है वो कितना है अनलिमिटेड है जिसकी गणना ना ही अनंत देव ना ही ब्रह्मा जी ना ही शिव जी कर पाए और जो श्रोतागण है वो कितना सुन सकते हैं जितना सुनाना था, सुनाना चाहिए सुन जितना आप श्रोता सुनना चाहता है उतना सुन सकते हैं तृप्ति प्राप्त नहीं होती है इसलिए व्यक्ति परमानेंटली हमेशा के लिए कृष्ण कथा सुन सकता है और बोलने वाले का भी खत्म होगा नहीं क्योंकि भगवान की जो लीला है वो तो अनंत है तो इस तरह से आप भगवान की लीला सुनाते रहिए और हम लोग सुनते रहेंगे हम तृप्ति प्राप्त कहते हैं कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को हरी कथा सुनने में आनंद नहीं आता या वक्ता को बोलने में आनंद नहीं आता है क्योंकि उसके अंदर वो गुण नहीं है श्रोता के और वक्ता के लेकिन जहां तक हमारी बात आती है तो हमारे बारे में क्या कहना तन्नो भवान वे भगवत प्रधानो महतम एकांत परायणस हरे रुदारम चरितम विशुद्धम शुश्रू सतमो तु विद्वन्द तो एक जो भागवत कथा का वक्ता होता है उसको क्या होना चाहिए भागवत प्रधान मतलब उसका प्रधान कार्य क्या होना चाहिए भगवान की सेवा मतलब वो भक्त होना चाहिए ऐसा नहीं है कि उसका प्रधान काम है घर को चलाना और इसलिए वो कथा कर रहा है घर को चलाने के लिए कि घर को चलाने के लिए पैसा चाहिए इसलिए भागवत कथा कर रहे हैं है है, है है। नहीं भगवान की भक्ति उसका मुख्य कार्य होना चाहिए और जीवन यापन के लिए अगर घर परिवार को चलाना है वाकिछ कार्य करना है तो वो कर सकता है मुख्य कार्य क्या होना चाहिए वो भगवत प्रधान होना चाहिए वो भगवान का भक्त होना चाहिए तो आप तो भगवान के महान भक्त है हाँ महत्ताम एकांत परायण से तो तरह से आप भगवान के पूर्ण रूप से परायण है तो आप जैसा वक्ता का जहां पर हो और सुश्रू सताम और जो श्रोतागण हो वो कैसे होने चाहिए हरी कथा सुनने के लिए बहुत लालायत होना चाहिए और हम हरी कथा सुनने के लिए बहुत लालायित थे तो हम हरी कथा सुनने के लिए बहुत लालायत थे आप भगवान के अनन्य भक्त हैं और जो आप कथा सुना रहे हैं हरि उदाहरण चरित में शुद्ध तो वो कैसी है वो पूर्ण रूप से शुद्ध है भगवान की लीला है आप कोई कर्म का मिश्रण नहीं दे रहे हैं ज्ञान का मिश्रण नहीं दे रहे हैं और भगवान की लीला सबका उद्धार करने वाली है तो इसलिए क्या करिए आप हरी कथा सुनाते रहिए तो इस तरह से आदि ऋषि सुध गोस्वामी को हरी कथा सुनाने के लिए बोलते हैं कि और सुनाइए और सुनाइए बंद मत करिए आपने जो बताया संक्षेप में बताया है लेकिन हरी कथा और भी सुनाइए तो जो भी सुखदेव गोस्वामी ने पहले महाराज को सुनाया था उसको सुनाइए आपने अभी सिर्फ बैकग्राउंड बताया है बैकग्राउंड काफी नहीं है आपको क्या बताना चाहिए आपको जो भी सुखदेव गोस्वामी परिचित महाराज को बताया एक एक बात हमको सुनाइए क्योंकि हरिकथा सुनने से हमारे हमारा मन तृप्त नहीं हो रहा है तो उस हरिकथा को सुनाई हरिकथा कैसी है परम और परम भगवान के बारे में या फिर जो वार्ता है परम वार्ता है इस संसार में जो भी लोग वार्ता करते हैं उसका मूल कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है आज जो हम साइंटिफिक नॉलेज ले रहे हैं कल को नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी इसीलिए साइंस बुक में अलग अलग एडिशन आते रहते हैं फाइनेंस के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं आज साथ उसकी वैल्यू कल को नया फाइनेंशियल मॉडल आ जाएगा ये जो हमारा फाइनेंशियल मॉडल चल रहा है इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी और आपस में जो गपसप करते हैं उसके बारे में तो कहने के उसकी वैल्यू वैसे भी कम ही होती है किंतु हरी कथा हमेशा से ही मूल्यवान होती है कृष्ण भगवान पांच हजार साल पहले भगवत गीता बोलते गए वो अर्जुन के लिए मूल्यवान थी आज भी अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए वैसे ही मूल्यवान है श्रीमद भागवतम सुखदेव गोस्वामी परिचित महाराज के लिए पांच हजार साल पहले बोल के गए वो उनके लिए मूल्यवान थी और आज भी हमारे लिए वैसे ही मूल्यवान है तो इसलिए जो भगवान के बारे में कथा है वो कैसी है परम है परम फिर पुण्यम वो व्यक्ति के हृदय को काम क्रोध लोभ से शुद्ध करने वाली है अति अद्भुत एकदम अद्भुत है असाधारण है योग निष्ठम पूर्ण रूप से भक्ति योग से पूर्ण है तो ये जो कथा है जो सुखदेव गोस्वामी ने परिचित महाराज को सुनाई है और जो कि भागवत जो भी भक्तों को बहुत प्रिय है तो कृपया करके उसको सुनाते रहिए बंद मत करिए मत बोलिए कि जो जो आपने पूछा था हमने बता दिया कथा समाप्त कर देते हैं कथा समाप्त तो मत करिए कथा को चलाते रहिए जारी रखिए उसको तो इस तरह से वो आग्रह करते गोस्वामी जब ये सुनते हैं तो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं लेकिन क्योंकि उनकी प्रशंसा हुई है तो जब भक्त की प्रशंसा होती है तो भक्त को अच्छा नहीं लगता है तो ये भक्तों का एक गुण है बाहर की दुनिया में आप व्यक्ति का सम्मान मत करिए भक्ति गुस्सा हो जाता है क्योंकि लोग सम्मान की बहुत आशा करते हैं कई बार तो लोग मंदिर में आते हैं मंदिर में भगवान का सम्मान होना चाहिए लेकिन अपने सम्मान की आशा करते हैं तो कई लोग मंदिर में लोग दान करते हैं गलती से मान लीजिए भक्तों ने उनका नाम नेम प्लेट में नाम नहीं लिखा हुआ है गुस्सा हो जाते हैं मंदिर में आया उनका सम्मान नहीं होता है, तो गुस्सा हो जाते हैं और समाज में सम्मान पाने की इच्छा का तो कहना ही क्या है आपस में लेकिन जो भक्त हैं भक्त का चरित्र कैसा होता है उसको सम्मान की आशा नहीं होती है अमानीना मान देना वो सम्मान की आशा नहीं करता है किंतु उसके विपरीत बाकी लोगों का सम्मान करने में चूकता नहीं है सम्मान की आशा क्यों नहीं करता है क्योंकि वो अपने आप को सम्मान के योग समझते ही नहीं है जिसको भगवान की महानता के बारे में पता चल गया है उसको पता चलता है कि भगवान को छोड़ के भगवान की तुलना में इस संसार में कोई भी महान व्यक्ति नहीं है और क्योंकि वो वाकिलों को भगवान के अंश के रूप में देखता है तो वो समझता है कि वाकिलों का भी सम्मान करना चाहिए क्योंकि ये किसके अंश है ये कृष्ण के अंश है तो इससे तो भक्त क्या करते हैं भक्तों का पैर छूए वो बोलेंगे पैर में छूए पर वो दूसरों का पैर छूने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं दूसरों को सम्मान देने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं तो ये भक्तों का एक गुण है कि वो बहुत नम्र होते हैं अभिमानी नहीं होते हैं तो उस तरह से सुध गोस्वामी भी जो कहें थोड़ा छिप जाते हैं तो वो कहते हैं अहो वयम जन्म बतो वास्म विधान विलोम जाता कुल्यम आदि विदनोति शीघ्र महत्मा नाम अभिधान तो कहते हैं कि देखिए हमारे जैसे जो लोग हैं अहो वयम जन्म भ्रतो अध्य में तो हम लोग तो क्या है हम नीच कुल के? अब सूद गोस्वामी वो हैं जिन्होंने श्रीरमंद भाद का पाठ किया हुआ है पर वो क्या बोल रहे हम नीच कुल के क्योंकि वो क्षत्रिय माता से उत्पन्न हुए ना, तो ऐसे व्यक्ति को सूत कहा जाता है तो वैसे उनका नाम है उग्र सदा सूत जो कि भगवान की कथा सुनने के लिए बहुत ज्यादा उग्र है बहुत ज्यादा लालयत तो है इसलिए उग्र सदा उनका नाम है और सूत कहा जाता है जो व्यक्ति ब्राह्मण पिता और क्षत्रिय माता से उत्पन्न होता है तो कहते हैं इसलिए हम लोग तो नीच कुल से हैं और ऐसे नीच कुल के लोग भगवान के जो महान भक्त हैं उनकी सेवा करने से शुद्ध हो सकते हैं तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कथा सुनाई मैं वहां पर बैठा हुआ था अभी वही कथा मैं अगर आपको सुनाता हूं तो किसकी सेवा होती? सेव होती, सेव होती है तो इस तरह से क्या होगा मैं सुद्ध हो तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा तो अपने शुद्धिकरण के लिए कथा सुना रहा हूँ तो ऐसा नहीं बोलते अरे मैं तो बहुत महान हूं मैंने सब सुना हुआ है मैं आपको हरी कथा सुना रहा हूँ अपने शुद्धिकरण के लिए मैं हरी कथा सुनाने वाला हूँ और उन लोगों के बारे में तो कहना ही क्या जो महान भक्तों के मार्गदर्शन में भगवान अनंत का नाम लेते हैं भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं तो ऐसे लोग तो बहुत जल्दी ही शुद्ध हो जाते हैं क्योंकि भगवान की भक्ति करना असाधारण है साधारण नहीं है तो हरी कथा करना अपने आप में एक बड़ी सेवा है बड़ा कार्य है तो आपको कहने की आवश्यकता वो नहीं है कि आप सुनाइए सुनाइए तो पहली बात तो मैं सुनाना चाहता हूँ क्यों आपने शुद्धिकरण के लिए और दूसरा बात हरी कथा सुनाना भगवान की एक सेवा है और वो सेवा कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है वो हम कैसे समझ सकते हैं लक्ष्मी जी के उदाहरण से तो वो लक्ष्मी जी जिनकी सेवा करने के लिए बड़े बड़े देवी देवता लालते रहते हैं पूरी दुनिया लक्ष्मी के पीछे भाग रही है लक्ष्मी जी की सेवा करती रहती है कि थोड़ी लक्ष्मी मिल जाए लक्ष्मी मिल जाए और वो लक्ष्मी जी किसकी सेवा करने के लिए लालायत है भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए है भगवान नारायण की सेवा करने के लिए लालायत है, है तो भगवान नारायण नहीं बोलते हैं कि आप आके हमारी सेवा करिए लेकिन फिर भी वो लालायत है तो इस तरह से जिस सेवा करने के लिए लक्ष्मी जी लालायत है तो उसके लिए भी हम जैसे लोगों को होना चाहिए कहते हैं इसलिए हरी को सुनाने के लिए हम वैसे भी ला हैं ऐसा नहीं है कि नहीं सुनाना चाहते कृष्ण कथा करने के लिए आप लोग बोल रहे हैं तो कृष्ण तो परम पुरुषोत्तम भगवान है तो भगवान का नाम लेने से और भगवान की कथा सुनाने से कौन मुकर सकता है इस दुनिया में कौन बोल सकता है नहीं नहीं हम नहीं सुनेंगे या हम नहीं सुनेंगे क्यों क्योंकि भगवान का नाम और भगवान दोनों ही इतना परम पवित्र करने वाले हैं कि उनके चरणों से निकलने वाली जो माता गंगा है उनको स्वयं शिव जी अपने सर पर धारण करते हैं तो शिव का मतलब है जो शुभ कार्य देने वाला है सब कुछ शुभ करने वाला है सब कुछ पवित्र करने वाले हैं तो वो शिव जो सबको पवित्र करने वाले हैं वो स्वयं को पवित्र करने के लिए भगवान के नाखून से निकलने वाली जो गंगा है उसको अपने सर पर धारण करते हैं तो ऐसे भगवान का नाम लेने से ऐसे भगवान की कथा करने से कोई मुकर सकता है क्या तो ऐसा मत बोलिए हम भी हरी कथा करने के लिए बहुत लालयत है और फिर वो आगे कहते हैं और जो लोग आत्मसंयमी है और कृष्ण से आ सकते हैं वो तो किसी भी समय इस संसार को छोड़ने के लिए कैसे रहते हैं उत्सुक रहते हैं और यही कारण है कि परिचित महाराज मृत्यु को अंगीकार करने के लिए तैयार थे हरि का के बारे में बताते हैं अहम ही पृष्ठो अर्यमणो बवदेद आचक्ष आत्मा वगमो अत्र यावान नमा पतंती आत्म समम पतत्रिनस तथा समम विष्णु गतिम तो जहां तक मेरी क्षमता है जहां तक मुझे ज्ञात है मेरा ज्ञान है जहां तक मेरा साक्षात्कार है वहां तक मैं हरि कथा को सुनाने का प्रयास करूंगा क्योंकि जहां तक हरि कथा की बात आती है हरि कथा तो कैसी अनंत है तो हरि कथा उस आकाश की तरह है जिसे कोई भी पक्षी छू नहीं सकता है लेकिन तो फिर भी जितना दूर जा सकता है जितना उसकी क्षमता है उतना दूर तो पक्षी जा ही सकता है तो उसी तरह जितनी मेरी क्षमता है जितना मेरा साक्षात्कार है उतना मैं हरी कथा को सुनाने का प्रयास करूंगा तो इस तरह से वो वो कहते हैं। और फिर आगे परिचित महाराज की जो कथा है उसका भी विस्तार से सुनाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि सारे के सारे ऋषियों के मन में प्रश्न आ रहा है कि परिचित महाराज को मृत्यु को चकमा देना चाहिए था मृत्यु को चकमा देके फिर यहाँ पे क्यों आ गए तो पहला तो कारण उन्होंने बताया क्योंकि वो हरी कथा कितनी शक्तिशाली है इसलिए हरी कथा को सुनने के लिए उन्होंने मृत्यु को चकमा नहीं दिया भगवान से ये नहीं बोला कि भगवान आके हमको मृत्यु से बचाइए तभी उस कथा को वो विस्तार से आगे बताते हैं तो वो कहते हैं कि एक बार की बात है कि परीक्षित महाराज वन में जब आखिर करने के लिए गए तो बहुत ज्यादा थके हुए थे और बहुत ज्यादा प्यासे थे तो इस तरह से थकान और प्यास से विवल ऋषि के आश्रम में जाते हैं जहां पर समिक ऋषि ध्यान कर रहे थे और समिक ऋषि एक भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी मन इंद्रियां, बुद्धि सबके सब हर बाहरी ध्वनि या दृश्य से अनविज्ञ थे उनके जो समय थे वो पूर्ण रूप से उन सबसे अनविज्ञ थे तो उनकी मन इंद्रियां इत्यादि थी या नियंत्रित थी तो उनको पता ही नहीं चल रहा था कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है और इस तरह से वो पूर्ण रूप से भौतिक जगत के परे थे इस तरह से वो भगवान के ध्यान में मग्न थे पता ही नहीं चल रहा था कि बाहर क्या चल रहा है इस तरह से मृक्षाला पहने हुए ध्यान में बैठे हुए समय पूर्ण आनंद से भगवान कृष्ण पर ध्यान कर रहे थे उस समय क्या हुआ महाराज परीक्षित उनसे जल मांगते हैं कि हे मुनि मैं बहुत प्यासा हूं मुझे जल दीजिए लेकिन समग्र ऋषि क्योंकि भगवान के ध्यान में मग्न थे इसलिए वो परिचित महाराज पर ध्यान नहीं दे पाते तो परिचित महाराज को लगता है कि ये जो मुनि है जानबूझ के अहंकार वर्ष मेरा तिरस्कार कर रहा है तो जानबूझ के मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये नाटक कर रहा है कि बड़ा ध्यान में बैठा हुआ है पर वो ध्यान पर नहीं बैठा हुआ है वो मुझे सुनता रहा है लेकिन उसको पता है कि वो ब्राह्मण है मैं छत्री हूँ नीच कुल का हूँ तो ये ब्राह्मण छत्री से ऊंचे कुल के कहलाते हैं। तो सर इसीलिए वो मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है तो ये सोच का परिचित महाराज अभी क्रोधित हो जाते हैं और फिर पर महाराज क्या करते हैं उस क्रोध के कारण जो कि भूख और प्यास थकान इत्यादि कारण उस पर हुआ था एक मरा हुआ सांप समीग ऋषि के कंधे पर डाल देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं तो ये भगवान का ही एक अरेंजमेंट था क्योंकि परिचित महाराज धातल पर रहते हैं तो कलयुग अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता और कलयुग के आने का समय हो गया था तो इसलिए ये सब भगवान का ही था कारण ये सब होता है हम देखते हैं वही परिचित महाराज आगे चल के जब सुखदेव गोस्वामी से हरी कथा सुनने लगते हैं तो पांच दिन बीतने के बाद में सुखदेव गोस्वामी परिचित महाराज से पूछते हैं कहते हैं कि राजन पांच दिन बीत गए हैं पांच रातें बीत गई हैं लगातार आप हरी कथा सुने जा रहे हैं सुने जा रहे हैं अभी तक आपने एक बूंद पानी भी नहीं पिया है दिन से तो कृपया करके थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए कुछ खा पी लीजिए फिर आगे हरी कथा करते हैं और परिचित महाराज कहते हैं कि आपकी हरी कथा इतनी ज्यादा मधुर है कि ना मुझे भूख लग रही है ना प्यास लग रही है तो ऐसे परिचित महाराज को अचानक इतनी भूख प्यास कैसे लग सकती है तो ये सब कैसा भगवान का अरेंजमेंट था ताकि कल इस संसार में आ सके और श्रीमद भागवतम का उदय हो सके तो परिचित महाराज जब क्रोध भूख प्यास के वसीभूत होके सम ऋषि का अपमान करके वहां से जाते हैं तब उनके मन में अलग अलग विचार आने लगते हैं तो उनके मन में विचार आता है ऐसा तो नहीं है कि वो ऋषि वाकई में समाधि में थे मैं सोच रहा था कि समाधि का नाटक कर रहे हैं किंतु वाकई में समाधि में हो या फिर वो मेरा तिरस्कार इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको पता है कि मैं क्षत्रिय के लायक कहलाने लायक नहीं हूँ तो अपनी नम्रता के कारण सोचते तो उनको वो इसलिए अनादर कर रहे थे कि अरे भाई ये क्षत्रिय के लायक नहीं है तो उसको जल के देना है तो जो भी कारण हो दोनों कारण ही एकदम उचित कारण है मैं तो सम्मान के लायक नहीं हूँ पानी पिलाने के लायक नहीं हूँ आसन देने के लायक नहीं हूँ और वो देखने में भी लग रहा था कि समाधि में है तो शायद मैं कुछ अनुचित कार्य करके आया हूं तो जब वो ऐसा विचार कर ही रहे थे तो वहां पर समीक ऋषि के आश्रम के पास क्या चल रहा था उनका जो पुत्र था श्रृंगी जो कि समी कृषि का शक्तिशाली पुत्र था जब उसने सुना कि अरे ऐसा हुआ है कि मेरे पिता के कंधे में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया है और उसको पता था किसने डाला है उसको मालूम था के किसने डाला है परिचित महाराज ने डाला है तो फिर क्या होता है तब उसको क्रोध आ जाता है श्रृंगी वो और श्रृंगी वहां से कहता है कि आजकल के जो क्षत्रिय हैं वो कितने ज्यादा पापी हो गए हैं वो हम जैसे ब्राह्मणों के सामने एक कुत्ते की तरह और एक कौए की तरह है। कि कुत्ता दूसरे का दिया हुआ खाता है तो जब हम ब्राह्मण लोग पुण्य कार्य करते हैं उसके कारण सृष्टि फलती फूलती है और उससे जब अनुत्पन्न होता है धन उत्पन्न होता है उसको ये लोग संग्रहित करते हैं एक कुत्ते की तरह या फिर कौए की तरह हैं, जो दूसरे का झूठा खाता है तो ऐसे लोग की इतनी धृष्टता हो गई ना? कि हम जैसे ब्राह्मणों कारण उनका काल उनका राज्य चल रहा है और वो हमारा सम्मान कर सके तो कुत्ता कैसे सोच सकता है कि वो अपने मालिक के साथ में बैठ के खाएगा तो परिचित महाराज क्या सोच रहे थे वो सोच रहे थे कि समी ऋषि हमारा सम्मान करेंगे अरे इन क्षत्रियों की इतनी धृष्टता कि वो हमसे सम्मान की आशा करते हैं तो शायद कृष्ण के संसार जाने के कारण ऐसे नौसिखी है क्षत्रिय वो फलने फूलने लगे हैं वो ब्राह्मणों का सम्मान करना भूल गए हैं इसीलिए इनको सबक सिखाने का समय आ गया है अभी मैं उनको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उनको समझ में आ जाएगा कि ब्राह्मण का तेज क्या होता है ब्राह्मण की शक्ति क्या होती है तो ये क्षत्रिय अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हैं किंतु तो आज मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करूंगा दिखाऊंगा कि कैसे एक ब्राह्मण कितना शक्तिशाली होता है तो उस तरह से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए क्रोधवश क्या करता है कौशिकी रिवर कौशिकी नदी कि जल को स्पर्श करता है और उसके बाद श्राप देता है क्या बोलता है आज से सातवें दिन तक्षक नाम का एक पक्षी और एक सर्प तो सर्प तो बहुत बड़े हो जाते तो पक्षी के रूप में आ जाते हैं उनके पंख उत्पन्न हो जाते हैं तो वो जो पक्षी है या वो जो सर्प है वो इस दुष्ट राजा का वध करेगा, उसको डसेगा, क्योंकि उसने क्षत्रिय धर्म का ठीक से पालन नहीं किया है ब्राह्मणों का ठीक से सम्मान नहीं किया है बल्कि उनका अपमान किया है तो उस अपमान का परिणाम क्या होगा कि उसकी सा, आठ से सातें दिन मृत्यु हो जाएगी तक सके काटने की वजह से तो इस तरह से वो अहंकार वर्ष और क्रोध के वर्ष वो दो शब्द बोल देता है तो इस तरह से उस श्राप देने के बाद में जब श्रिंगी घर आने लगता है तब उसको एहसास होता है मैंने क्या कर दिया इतनी छोटी सी चीज के लिए इतने महान भक्त और राजा को श्राप दे दिया तो अपने पिता के सामने आते ही उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वो जोर जोर से रोने लगता है विलाप करने लगता है और जब समीग्र ऋषि को वो होश आता है उस समय वो अपने ध्यान से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनके गले में एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है तो उसको उठाते हैं और उसको फेंक देते हैं, तो उनको लगता है कि वो उसको बड़े सीरियसली नहीं लेते हैं। पर उनको लगता है कि लगता है कि मेरे पुत्र को किसी ने कुछ हानि की है फिर समझी से पूछने लगते हैं समीग्र क्या हुआ किसी ने कुछ को तुमको कुछ बुरा बोला है या कुछ किया है बुरा किया है तुम्हारे साथ में तो श्रृंगी रोते रोते सारी कथा बताता है और सामिग अपने पुत्र के स्क्रिप्ट के लिए बहुत विलाप करते हैं और पछताते हैं वो कहते हैं आज तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है क्योंकि छोटे से अपराध के लिए तुमने इतना बड़ा दंड दे दिया तो उस तरह से मान लिया कोई आपको थप्पड़ मारे आप उसका गर्दन काट दे तो यदि किसी अपराध का दंड दिया जाता है तो वो उचित होना चाहिए अनुचित नहीं होना चाहिए या कोई आपको बुरा बुरा बोलता है और आप उसके पूरे घर को ही उजाड़ देते हैं तो छोटी सी चीज के लिए तुमने इतना बड़ा दंड दिया ना। तो अपने कम बुद्धि के कारण तुमने वो कार्य किया है जो पूर्ण रूप से अनुचित है तुमको पता नहीं है परिचित महाराज जैसे सम्राट कौन है वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, वो भगवान के महान भक्त हैं इस पूरे भूमंडल पर सभी लोग इतने समृद्धशाली हैं, सुरक्षित हैं वो किससे कारण इनके जैसे सम्राट के कारण और इन सम्राट ने एक छोटी सी गलती की भूख के कारण और तुमने इतना बड़ा दंड दे दिया उनको तो ये तो उचित नहीं है अनुचित है हाँ। और फिर वो कहते हैं कि ऐसे सम्राट की मृत्यु कारण आगे क्या होने वाला है तुम सोच भी नहीं सकते हो तो ऐसे सम्राट की जब मृत्यु हो जाती है जो कि प्रजा की अपने पुत्र की तरह रक्षा करते हैं तो उनके होने से क्या होता है पूरी दुनिया में जो चोर लुटेरे हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है और जैसे एक सिंह मेमने का शिकार करता है उस तरह से ये चोर और लुटे लुटेरे डकैत वो क्या करते हैं प्रजा की हानि कर देते हैं उनकी क्षति कर देते हैं तो प्रजा की जब रक्षा नहीं होती है तो क्या होता है उनका शोषण होता है दुष्ट लोग आकर उनका शोषण करते हैं तो तुम्हारे कारण अभी क्या होगा संसार में सभी लोगों का शोषण होने वाला है क्योंकि तुमने एक धर्मग्रह जाकर कि मृत्यु होने का उसको श्राप दिया है तो इस तरह से तुमने अच्छा नहीं किया है और क्या होता है जो सामाजिक धार्मिक कार्य चल रहे हैं वो बंद हो जाते हैं दुष्ट लोग आके प्रजा को हानि पहुंचाते हैं उनको क्षति पहुंचाते हैं पशु स्त्रियां आदि उनका हरण होता है स्त्रियों का शोषण होता है पशुओं का शोषण होता है तो उससे कारण क्या होगा ये सारे के सारे कार्य होने के कारण हम सब उसके लिए जिम्मेदार होंगे और खासकर तुम उसके लिए जिम्मेदार होगे क्योंकि तुमने क्या किया ये श्राप दिया है वर्णाश्रम धर्म का पालन रुक जाएगा क्योंकि कुशल राजा देखता है कि हर किसी के पास एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए और किसके अनुसार होना चाहिए वर्ण आश्रम के अनुसार होना चाहिए तो वो सारा का सारा रुक जाएगा और लोग अवैध संबंध कर रखेंगे जिस कारण वर्ण संकर उत्पन्न होंगे और वो वर्ण संकर गधे बंदर और कुत्ते की तरह यहां वहां पर व्यवहार करेंगे ना। इस तरह से स्त्री और धन के लोलुप इस पूरे समाज को ओर लेके जाएंगे तो हम देखते हैं वो आजकल वही वैसे हो रहा है सब लोग धन और परस्त्री पर स्त्री पर बुरी नजर रखते हैं और फिर उनका शोषण करने का प्रयास करते हैं इस तो तरह से लोग काम और क्रोध के अधीन हो जाएंगे और परिचित महाराज जैसे व्यक्ति का कहना ही क्या है जिन्होंने इतने सारे अश्वमेध यज्ञ किए हैं भगवान जितने महान भक्त हैं तो उनको तुम्हें श्राप नहीं देना चाहिए तुमने बहुत गलत काम किया है और फिर वो भगवान से क्षमा मांगते हैं कि हे hey भगवान मेरे पुत्र को क्षमा कीजिए जिसने अपनी मूर्खता के कारण और बालकपन के कारण इतना घुनौना अपराध किया है परिचित महाराज जैसे महान भक्त को श्राप दिया है तो इस तरह से वो भगवान से क्षमा मांगते हैं हाँ। और उनको पता था कि परिचित महाराज जो भी अभी हमने श्राप दिया है उसका प्रतिकार करने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि तो भक्त की एक, एक गुण के बारे में बताते हैं तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ताह ना से तत्पति कोवंधी तद भक्ता के, हे आपके जो भक्त हैं उनका भले ही तिरस्कार क्यों ना किया जाए ना तो भरे समाज में उनकी निंदा क्यों ना की जाए उनका मजाक क्यों ना उड़ा जाए विप्रलब्धा उनका चीटिंग क्यों ना की जाए ना तो छल क्यों ना किया जाए उनके साथ सत्ता उनको श्राप क्यों ना दिया जाए छिपता मतलब वो लोग शांति से बैठे हुए उनको परेशान क्यों ना किया जाए हताओ बल्कि उनकी हत्या क्यों ना कर दी जाए कि नाश्त थी प्रतिकुरवंती वो कभी भी उनके बदले की भावना भक्तों के हृदय में आती ही नहीं है क्योंकि तो उनको क्या लगता है कि मुझे अपने कर्मों का ही परिणाम मिल रहा है तो हालांकि भक्त लोग अपना उचित कदम उठाते हैं लेकिन प्रतिशोध की भावना से नहीं उठाते हैं। वो उचित कर्म उठाते हैं वो देखते हैं कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ मुझे करना चाहिए लेकिन प्रतिशोध की भावना नहीं रखते हैं। तो अपने जीवन को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं किंतु वो कभी ये नहीं बोलते हैं कि इस व्यक्ति के कारण मुझे ये परिणाम मिल रहा है क्योंकि उसको उनको मालूम है कि हर किसी को अपने कर्मों का ही परिणाम मिलता है तो जरूरत पड़ती है तो वक्त लोग पुलिस का सहारा लेंगे या अपने बल का सहारा लेंगे अपने आप बचाएंगे किंतु वो दूसरे को दोष नहीं देते हैं बदले की भावना के अंदर नहीं आती है तो अंदर बदले की भावना आ ही नहीं सकती है तो द्वेष के कारण उन्होंने मेरे गले में ना ही सर्प डाला है और ना ही अभी उनको श्राप प्राप्त हुआ है तो वो उसका प्रतिकार करने वाला है तो वो तो हमको बदले की भावना से नहीं देखने वाले इस तरह से एक भक्त होने के कारण उनका जो अपमान हुआ उसको उन्होंने बड़ी सीरियसली नहीं लिया लेकिन अपने उनके पुत्र ने जो अपराध किया उसको बड़ी गंभीरता उन्होंने लिया तो ऐसे भक्तों के बारे में उनके जो गुण हैं उसके बारे में एक और श्लोक आता है तो ये इस चैप्टर का आखिरी श्लोक है प्रायसा लोके परेर द्वंदोजिता नावंती ना न यत् आत्मा गुणाश्रयः तो जो साधु लोग हैं जो कि दिव्य स्थिति में स्थित रहते हैं वो भली इस संसार से द्वंद्व सुयोगिता जहां सुख दुख है लाभ हानि है इस संसार से कुछ भी आदान प्रदान करते हैं किंतु अगर कुछ अच्छा आ रहा है तो उसमें बहुत खुशनी होते हैं कुछ बुरा हो रहा उसके लिए बहुत दुखी नहीं होते तो इसलिए जो उनका अपमान हुआ उसके लिए वो बहुत दुखी नहीं थे किंतु अगर वो भगवान के प्रति अपना कर्तव्य ठीक से नहीं कर पाते तो दुखी होते हैं तो वो जो कर्तव्य था क्या कर्तव्य था सहन करने का कर्तव्य ऐसे सम्राट का प्रतिकार ना करने का करता वो उन्होंने ठीक से नहीं किया उसके लिए वो बहुत निराश थे तो इसलिए वो सोचते हैं कि अभी इसका कुछ ना कुछ समाधान निकालना पड़ेगा जो भी हुआ है तो अभी वो क्या समाधान निकालते हैं वो हम लोग अगली क्लास में सुनेंगे तभी तो हम लोग कथा को यही विराम देते हैं तो आज हमने देखा कैसे आ, सूद गोस्वामी बताते हैं कि परिहित महाराज ने अंतिम समय में मृत्यु का प्रतिकार नहीं किया लेकिन हरि कथा सुनने का प्रयास किया और जो जो आप लोगों ने प्रश्न बोले हैं उसका मैंने उत्तर दे दिया है तो जब सोना का को सुनते हैं तो कहते हैं कि भगवान सुध गोस्वामी आप यहां पर शॉर्टकट मत मारिए, हरि कथा को ठीक से सुनाइए और हरि कथा के बारे में बताते कैसे हरि कथा सुनने से व्यक्ति को क्या क्या लाभ प्राप्त होता है तो इस तरह से वो हरि कथा की क्या करते हैं प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि आपके जैसे शुद्ध भक्त हो हरि कथा सुनाने वाले हों हमारे जैसे श्रोतागण एकदम उत्सुक है जो कि कथा सुनने के लिए ऐसे लोग हैं तो कथा होनी चाहिए इसलिए आप विस्तार पूर्वक हरि कथा को सुनाइए ये सुन के शुद्ध गोसाई बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों के संग का लाभ के बारे में बताते हैं और फिर परिचित महाराज की मृत्यु थी उसके बारे में विस्तार से बताते हैं कि कैसे वो भ्यू और प्यास के कारण गलती से समिग ऋषि के आश्रम में जाते हैं जल मांगने के लिए और जब वो देखते हैं कि ये समाधि में बैठे हुए हैं तो उनको लगता है कि समाधि का नाटक कर रहे हैं और उन गले में मरा हुआ सांप डाल देते हैं और बाद में उनको पछतावा होता है और वो समय ऋषि जब जगते हैं तो देखते हैं कि मरा हुआ सांप उसको फेंक देते हैं लेकिन उनका जो पुत्र था श्रृंगी उसको बर्दाश्त नहीं होता है और वो परिचित महाराज को सात दिन के अंदर मरने का श्राप देते हैं तो ऋषि को जब ऐसा पता चलता है तो बहुत दुख होता है उनके मन में और उस कारण वो क्या करने वाले हो हम लोग अगले क्लास में सुनते हैं तो अभी हम लोग कथा को यहाँ विराम देते हैं चंद्रा श्रीमद भागवतम की जय शिलोपाद की जय जय जयगौर